एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। देखो आप लोग, ये बारिश से क्या हुआ है, पूरा इंटरलॉक शेप जो है उसका नामो निशान मिट गया, देख सकते हो। इसका मैं सोच रही हूँ डैम क्रमलिंग करूँ अभी और आप लोग को दिखाऊँ। तो आप लोग वेट करो, मैं लगा देती हूँ ट्राईपोर्ट पे और फिर एक टप हो गया, एक टप और है, उसको मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। और आप देखना, इसका मैं शेप्स मेकिंग करती हूँ, आप लोग बस बने रहना, थोड़ा सा मैं सेटअप कर ले। चलो हो गया सेटअप, अब शेप्स मेकिंग कर लेती हूँ। ये ऑलरेडी तो वेट है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये इंटरलॉक शेप ना निकलता नहीं है। निकालने के लिए थोड़ा सा पानी डालो। जी मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, मैं इसलिए कोई बात नहीं करी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है और फिर मुझे अपने क्लासेस जाने हैं, इसलिए
ये रहा, ये हो गया, ये निकल भी जाएगा। ऐसे क्या होता है अगर पानी कम रहा तो ये निकलता भी नहीं, टूट जाता है। और फिर मैं निकालती हूँ और आप देखो बहुत मुश्किल है बनाना इंटरलॉक शेप, वो भी प्रॉपर तो बिल्कुल। हाँ फाइनली नहीं निकला, देखो निकला नहीं निकला। मैं मिलती हूँ आपको पूरा बनाने के बाद, क्योंकि बिल्कुल नहीं निकलने वाला। फिर आप लोग देखना या फिर मैं एक और ट्राई कर दूँ। देखो ये लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं है, फर्स्ट है। आप लोग को मैं पूरा बना के दिखाऊँगी, आई थिंक ये निकल जाए बस। निकल जाओ निकल जाओ। ओ देखो ये थोड़ा सा बस हुआ है, बस निकल गया। बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है इंटरलॉक शेप बनाना, निकलता ही नहीं। मैं पूरा जब बना लूँगी तो फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, 8 बज चुके हैं और मुझे जाना भी है 10 बजे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ। देखो आप लोग देखो इंटरलॉक बन गया, उधर थोड़ा उधर शेप में थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर परफेक्ट बना है। अब ये इसको डैम क्रमदिक करके इसको भी बनाना है। आप लोग अब बने रहो क्योंकि मैं डैम क्रमलिंग।
गया। अब मैं इसका सेप में मैकिंग कर देती हूँ, सेप बना देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे कल मिलती हूँ कुछ अच्छे, कुछ मज़ेदार ब्लॉग के साथ। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।